स्टेलर इंग्लिश चैप्टर 8 यूनिट 6 वीट एंड ह्यूमर तेनाली रमन एंड द लिंग्विस्टिक चैलेंज का मैं क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहे, चलिए क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं और समझना है। टिक द करेक्ट आंसर, जो ये चारों में से सही है उसमें टिक मारना है। हु कम टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय, यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया? तो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषाविद, जगलर यानी बाजीगर, मैजिशियन जादूगर, जोकर यानी मजाकिया। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। व्हाट वाज द चैलेंज गिवन बाय द लिंग्विस्टिक, यानी कि लिंग्विस्टिक द्वारा दरबार में क्या चैलेंज दिया गया? टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। आगे चलते हैं थर्ड नंबर। द मदर टंग ऑफ द लिंग्विस्टिक वॉज गुजराती, यानी भाषाविद का मातृभाषा क्या था? गुजराती। ड्यूरिंग द नाइट द लिंग्विस्टिक स्लेप्ट एंड फेल डाउन, रात को उसके साथ क्या हुआ? वह गिर गया, वो यानी कि वो पैर स्लिप किया और वह गिर गया। चलते हैं राइट ट्रू एंड फॉल्स, एवरीवन गॉट इम्प्रेस्ड विथ द लिंग्विस्टिक, ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि लिंग्विस्टिक से सभी कोई इम्प्रेस हो गया था, तो ये सच है। तेनाली रमन डिड नॉट एक्सेप्ट द लिंग्विस्टिक चैलेंज, ये फॉल्स हो जाएगा। द किंग हैड फुल कॉन्फिडेंस इन तेनाली रमन, ट्रू हो जाएगा। तेनाली रमन स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऑन द फ्लोर, ये ट्रू हो जाएगा। तेनाली रमन कुड नॉट फाइंड आउट द मदर टंग ऑफ द लिंग्विस्टिक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं सी नंबर। आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि इन क्वेश्चन का जवाब देना है। वाई वेयर द कोर्टियर्स एंड द किंग इम्प्रेस्ड विथ द लिंग्विस्टिक, यानी कि दरबारी गण और राजा भाषाविद से क्यों इम्प्रेस हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ही स्पीक्स मोर देन 10 लैंग्वेज, इस कारण से वे लोग क्या हो गया? इम्प्रेस हो गया। वाई कुड द कोर्टियर्स नॉट फाइंड आउट द मदर टंग ऑफ द लिंग्विस्टिक, इसका आंसर हो जाएगा द लिंग्विस्टिक वॉज वाइस, यानी कि लिंग्विस्टिक वॉज वाइस सो द कोर्टियर्स नॉट फाइंड आउट द मदर टंग ऑफ द लिंग्विस्टिक। अब चलते हैं थर्ड नंबर। व्हाट वॉज द कंडीशन पुट फॉरवर्ड बाई द लिंग्विस्टिक टू द किंग इन केस ऑफ तेनाली रमन फेल, इसका आंसर हो जाएगा इफ तेनाली रमन फेल्स टू एंसर देन आई शुड बी रिवार्डेड एज पर माई विश, अगर तेनाली रमन फेल होता है तो मैं जो भी इच्छा करूँ उपहार स्वरूप वो मुझे मिले। अब चलते हैं फोर्थ नंबर। वेयर डिड तेनाली रमन हाइड हिमसेल्फ, तेनाली रमन अपने आप को कहाँ छुपा लिया? इसका आंसर हो जाएगा तेनाली रमन हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टन। अब चलते हैं डी नंबर। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, माई प्लान विल वर्क वेन ही गेट अप, हु सेड दीज वर्ड, तो तेनाली रमन, हु इज ही इन द एबव लाइन, द लिंग्विस्टिक हो जाएगा। वाट वॉज द प्लान, उनका प्लान क्या था? वेन ही वुड स्लिप देन ही शाउट इन पेन इन हिज मदर टंग, चलते हैं सेकेंड नंबर। तेनाली रमन आई एम प्राउड ऑफ यू, हु सेड दीज लाइन्स एंड वाई, कृष्णदेव राय, बिकॉज तेनाली रमन सॉल्व द लिंग्विस्टिक मिस्ट्री। What was the gift given to Tenali Raman? A gift of gold coin. अब चलते हैं E number. Answer this question in detail. इसको डिटेल में देना है। How did Tenali Raman find out the mother tongue of the linguistic? यानी कि Tenali Raman भाषाविद का जो मातृभाषा है ना वो कैसे प्राप्त किए, यानी कि वो कैसे जाना? तो इसका आंसर बुक में ही है। So देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा द तेनाली रमन हैड स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऑन द फ्लोर, ही न्यू दैट व्हेन द लिंग्विस्टिक वुड गेट अप फ्रॉम द बेड ही वुड स्लीप ही वुड देन शाउट इन हिज मदर टंग, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड नंबर इसका। वाट एक्सप्लेनेशन वॉज गिवेन बाई तेनाली रमन टू फाइंडिंग आउट द मदर टंग, यानी कि तेनाली रमन ने ये एक्सप्रेशन दिया था कि अगर कोई क्या हो, अगर कोई दर्द में चीखे चिल्लाए तो वो अपनी मातृभाषा में ही बोलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
A person speaks his mother tongue when he is in great difficulty. इसका आंसर यहाँ से ए पर्सन से लेकर ग्रेट डिफिकल्टी तक हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर का ग्रुप। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन दिया है। हाँ, तो ग्रामर सेक्शन एडवर्ब दिया है। एडवर्ब मतलब जिसके लास्ट में एलवाई लगा रहे, आसानी से पता कर लेंगे वो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण है। आइडेंटिफाई एडवर्ब यानी कि इसमें एडवर्ब पता करना, जिसमें एलवाई लगा है वो तो एडवर्ब हो जाएगा श्योर। अब आगे चलते हैं, इसमें दिया है जेंटल, इसमें प्रीफिक्स यानी जो पहले लगता है, सुफिक्स यानी जो बाद में लगता है, इसमें सुफिक्स लगाना यानी सब में एलवाई लगा देना। जेंटल का जेंटली, क्रिटिकल क्रिटिकली, सिस्मेटिक सिस्मेटिकली, सैड सैडली, ईजी ईजली, ट्रेजिक ट्रेजिकली, चेयरफुल चेयरफुल्ली, ड्रास्टिक ड्रास्टिक फुल्ली हो जाएगा। सब में एलवाई लगा देना है, ड्रास्टिकली DRASTICALY हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न लगाने वाला एडवर्ब यानी कि क्रिया के विशेषण, इसे इसमें हाउ वेयर वाई वेन लगाकर पूछना है। एग्जांपल हाउ आर तरुण एंड हिज फैमिली मेंबर्स। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इंट्रोगेटिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। I have not understood why my answer is wrong. The teacher will explain how we should do the sum. अब चलते हैं, हाँ यहाँ पर ही प्लीज द एडवर्ब गिवेन इन ब्रैकेट्स करेक्टली एंड री राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। यानी कि यहाँ पर ये जो एडवर्ब है ना, इसमें एलवाई लगाकर करेक्ट स्थान पर लिखना है। He forgot to carry his Aadhaar card while traveling. He never forget to carry his. He के बाद never. I like to go for long walk in the evening. I like sometime to go for long walk in the evening. I like के बाद sometimes हो जाएगा. Keep the basket anywhere. Keep the basket anywhere first में आ जाएगा। We visit our home town during holiday. We visit our home town during holiday. यानी कि usually पहले आ जाएगा। Degree of comprehension यानी कि good, better, best ये सब लगाना है, जैसे सुन सुनर सुने, fast faster fastest। तो देखते हैं fill in the blanks with the correct degree of comprehension of the adverbs given in the bracket. The courtier tried harder than the other to find the linguistic mother tongue. Hard का harder हो जाएगा, loudly यानी कि इसका louder हो जाएगा। The second speaker spoke louder than the first one. The red team performed worse than the blue team in the sports quiz. Bad का worse, bad worse worst. Bad, worse, worst हो जाएगा। राहुल रन द फास्टेस्ट एमंग ऑल द एथलीट्स। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट यानी कि सभी एथलीट के से सबसे फास्टेस्ट है राहुल। अब चलते हैं वर्ड वाइज। राइट द साइनिम्स यानी मिलता जुलता, एंटोनिम्स यानी उल्टा, कैप्चर कैप्चर यानी पकड़ना, इसका साइनिम हो जाएगा टिक। लिबरेट लिबरेट यानी आजाद करना, इसका हो जाएगा रिलीज। इसेंशियल यानी आवश्यक, इसका साइनिम्स नेसेसरी। इस्टीन यानी आदर, ऑनर यानी आदर हो जाएगा, इस्टीन आदर ऑनर आदर। एंग्जियस यानी चिंतित, कंफर्टलेस ये भी हो जाएगा। अब चलिए अब आगे क्या दिया है। हाँ राइट वेल इमेजिन यानी कि आपको क्या करना है, कल्पना करना है कि आपके क्लास में तेनाली रमन बच्चों से मिलने आया, तो उसका इंटरव्यू क्लास का मॉनिटर आप है, तो आप किस प्रकार से लेंगे। तो हो जाएगा यू सर वेलकम टू द क्लास सिक्स तेनाली रमन, थैंक यू। आप बोलेंगे सर डू यू इंजॉय योर वर्क, तेनाली रमन बोलेंगे तो हाँ आई इंजॉय माई वर्क। यू वाई इज द किंग कृष्ण देव राय सो फॉन्ड ऑफ यू यानी कि फॉन्ड मैंने प्रिय, आप
राजा कृष्ण देवराय को आप प्रिय क्यों है? तेनाली रमन आंसर देंगे, आई ऑलवेज हैड अ सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी समस्या के लिए मेरे पास समाधान होता है। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, आप उसे पूछेंगे आप इस मेरे क्लास के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तेनाली रमन बोलेंगे, बी हैप्पी लिव बिंदास यू, दैट वॉज अ वंडरफुल मैसेज, आई एम श्योर द स्टूडेंट्स विल फॉलो इट, मैं आश्वस्त हूँ कि बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो पालन करेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें जो भी इनकरेक्ट है इनकरेक्ट वर्ड करेक्ट वर्ड करके देना है, यानी कि बिलीविंग, यानी कि इसमें ये बिलीविंग है इनकरेक्ट, इसमें बिलीव हो जाएगा, ठीक वैसे ही जहाँ दिया है करना है और इसको लिख डालना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा द मॉडल हेड, मॉडल हेड मतलब भुलक्कड़ आदमी के विषय में। तो चलते हैं